हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्विंग ट्रेड फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे हनी ऑयल ऑटोमेशन के बारे में फ्रेंड्स हनी ऑयल ऑटोमेशन में अभी करेक्शन चल रहा है तो उस हिसाब से हमें स्टॉक में अभी फिर से एंट्री लेके चल सकते हैं या तो फिर अभी कौन सा लेवल पे है हमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं या तो फिर स्टॉक में से अभी एग्जिस्ट कर लेना चाहिए तो वीडियो में आगे जरूर बने रहिए तो आपको एक लेवल बताऊँगा उस लेवल पर आप बिल्कुल नजर बना के रखना चाहिए फ्रेंड्स ये एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जो कि इन्फोएज है इन्फोएज एक बहुत बड़ा मल्टी वैगर स्टॉक है तो ये आपके पोर्टफोलियो में अगर नहीं है तो कौन सा बाइंग रेंज पे आपको बाय करके चल सकते हैं ये स्टॉक में तो जरूर ये वीडियो को देख लीजिए ठीक है फ्रेंड्स अभी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स अभी जो हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे एक थर्टी करोड़ का मार्केट कैप है जो कि लार्ज कैप स्टॉक है इसका अगर हम डेट टू इक्विट रेशियो देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है प्रोमोटर प्लेस भी जीरो है और इसका अगर हम आर देखते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव का आर है तो अगर हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो यहाँ पे फोर्टी नाइन थाउजेंड नाइन नाइन्टी के पास में ऑल टाइम हाई है ये जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है थर्टी नाइन थाउजेंड के पास में करंट मार्केट प्राइस चल रहा है तो एक बढ़िया सा गिरावट हुआ है इस स्टॉक में अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट एक बार देख लेते हैं यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में सेल्स जो हुआ है 737 करोड़ का सेल्स हुआ है जो कि लास्ट सितंबर में 760 करोड़ का सेल्स था जो कि थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन जरूर हुआ है जो कि फ्लैट रिजल्ट है इसी हिसाब से सा अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं यहाँ पे 108 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था अभी का क्वार्टर में अगर हम देखते हैं एट्टी करोड़ का प्रॉफ़िट हुआ है तो प्रॉफिट में यहाँ पे बिल्कुल डिक्लाइन नज़र आ रहा है जो कि प्रॉफिट में फॉल हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बेसिस पे और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे भी अगर हम यहाँ पे लास्ट चार क्वार्टर का डाटा यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे सेल्स में अभी टू ना टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी सेवन करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ है अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं यहाँ पे फोर थर्टी वन करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे गिरावट नज़र आ रहा है तो अगर हम बैलेंस शीट की बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे बैलेंस शीट में बढ़िया सा ग्रोइंग नज़र आ रहा है जो कि हर एक क्वार्टर में बैलेंस शीट में रिजर्व ग्रोइंग होते जा रहा है लास्ट मार्च क्वार्टर में यहाँ पे 2570 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व था अभी का अगर सितंबर का क्वार्टर में हम देखेंगे तो यहाँ पे छब्बीस करोड़ का यहाँ पे रिजर्व पोस्ट किया हुआ है कंपनी ने अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टर डिटेल्स में जाके देखते हैं प्रोमोटर के पास में अभी भी वही हो सेम होल्डिंग है प्रोमोटर के पास में जो कि सेवेंटी फाइव परसेंटेज का होल्डिंग है प्रोमोटर के पास में एक बेहतरीन होल्डिंग है जो कि आज पर सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से मैक्सिमम सेवेंटी फाइव परसेंट प्रोमोटर के पास में रह सकता है अभी प्रोमोटर के पास में मैक्सिमम स्टेक जितना रहना चाहिए उतना ही है सेवेंटी फाइव परसेंट है तो एक ये एक चीज़ जो होता है ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होता है कोई भी कंपनी में हमें एंटर लेने से पहले अगर हम यहाँ पे एफ का भी डाटा एक बार चेक करते हैं तो यहाँ पे जून का क्वार्टर में टू का एफ के पास में होल्डिंग था अभी अगर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एफ ने थोड़ा सा स्टेक भी इंक्रीज किया है जो कि पॉइंट का अभी का जो डाटा है

यहाँ पे रिटेलर का पार्टिसिपेशन भी बहुत कम होता है यहाँ पे फल भी बहुत ज़्यादा इतना स्टॉक में इतना ज़्यादा करेक्शन भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि स्टॉक का प्राइस उस हिसाब से और उनके पास में जो होल्डिंग है होल्डिंग मैक्सिमम प्रोमोटर के पास में है और यहाँ पे डी और एफ के पास में ओनली मतलब पब्लिक के पास में ओनली टेन परसेंटेज का होल्डिंग है ठीक है तो यही है कि फ़ायदा होता है अगर महंगा वाला स्टॉक में किसी भी स्टॉक प्राइस अगर बड़ा स्टॉक प्राइस में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे करेक्शन का इतना ज़्यादा गुंजाइश नहीं होता है अगर हम देखेंगे यहाँ पे थर्टी फोर परसेंटेज का यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है फ्रेंड्स हमने काफ़ी दिन पहले इस स्टॉक के बारे में अपने चैनल पे भी रिसर्च किया था जो कि मैंने बताया था इस लेवल पे आपको बताया था ये स्टॉक को अगर बाय करके चलेंगे एक वैल्यू वाइंग मिल सकता है उस टाइम पर अगर हमने बाय करके लिए हैं तो उसी हिसाब से अभी भी हम उसी लेवल पर हैं अभी इतना बड़ा सा करेक्शन हो चुका है मार्केट में फिर भी उसके बावजूद हमारा उस स्टॉक में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि हम इस हिसाब से यहीं पर ही बाय करके हैं ठीक है ना अगर आपके पास में ये स्टॉक है फ्रेंड्स आपको बिल्कुल आपको डरने का कोई रीजन नहीं है क्योंकि ये स्टॉक का अगर हम नेचर देखें एक बार आप देख लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है हंड्रेड डे जो सॉरी टू हंड्रेड डे का मूविंग एवरेज को हमेशा रिस्पेक्ट करता है ठीक है ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये टू हंड्रेड डे का मूविंग एवरेज है फ्रेंड्स अगर मूविंग एवरेज आपको सेट करना सीखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मूविंग एवरेज कैसे हम सेट करते हैं उसका लिंक दिया हुआ है आप जरूर जाके वहाँ से सीख सकते हैं और आर एस आई भी कैसे हम सेट करते हैं वहाँ से जाके जरूर आप सीख सकते हैं फ्रेंड्स और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर एस आई का जब लेवल हम बात करेंगे तो आर एस आई का लेवल अभी फ्रेंड्स अभी ही, बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है जो कि थर्टी फाइव के लेवल पे आर एस आई आ चुका है ठीक है जो कि एक बढ़िया सा वैल्यू आएंगे इस हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखिए हमेशा टू हंड्रेड डे का मूविंग एवरेज पे स्टॉक आता है फिर उसके बाद में कुछ दिन में फिर ऑल टाइम हाई यहाँ पे टच करता है तो अगर आप देखेंगे तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है ठीक है तो इसी हिसाब से देखिए यहाँ पे एक बार आया तो यहाँ पे आने के बाद में किसने बाय किया होगा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया उसके बाद में फिर से यहाँ पे आया फिर से यहाँ पे आया आप अगर देखेंगे तो हमेशा ये स्टॉक जो है ना टू हंड्रेड मूविंग एवरेज के पास में आता है अगर उसी टाइम पे अगर कोई बाय करके चलता है स्टॉक में तो उसको आने वाले दिनों में एक बढ़िया सा प्रॉफिट देखने को मिलता है देखिए यहाँ पे अगर किसने बाय किया स्विंग ट्रेड करने के लिए तो अगर यहाँ से यहाँ तक लिया तो यहाँ पे एक फोर्टी का गेन मिला कुछ थोड़ा ही दिन में कोई ज़्यादा दिन भी नहीं लगा ठीक है इसी हिसाब से अगर ऑल टाइम हाई पे अगर यहाँ पे किसने बाई किया तो यहाँ तक अगर ऑल टाइम हाई तक स्टॉक को लेके चला तो उसको भी देखिए कितना परसेंटेज का गेन मिला तो वहाँ पे उसको 183 डेज़ में एक 29 परसेंटेज का गेन मिला एक बढ़िया गेन है क्योंकि एक लार्ज कैप स्टॉक है और बढ़िया सा यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर किसने फिर से अगर यहाँ पे किसने एंट्री लिया और ऑल टाइम हाई तक स्टॉक को लेके चला देखिए यहाँ पे 59 नाइन डेज में एक ट्वेंटी परसेंटेज का गेन मिला ठीक है तो इस हिसाब से ये स्टॉक में मेरे हिसाब से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोमोटर का होल्डिंग बढ़िया है तो ये स्टॉक में अभी अगर आप एंट्री लेके चलते हैं आने वाले दिनों में एक बढ़िया सा आपको रिटर्न मिल सकता है सिक्स मंथ्स का अगर हम टारगेट लें तो ये स्टॉक में आपको भी यहाँ पे ऑल टाइम का हाई बिल्कुल देखने को मिल सकता है ठीक है अगर हम इस हिसाब से बाय करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बढ़िया सा सपोर्ट भी आपको दिख रहा है तो यहां पे 200 डे एवरेज के नीचे भी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड का लेवल से पे ले ये जो थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का लेवल है ये बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है ये सपोर्ट जोन के अंदर में स्टॉक जरूर यहाँ पे रुक सकता है ठीक है तो इसी हिसाब से सा अगर आप इसी जोन पे एंटर लेते हैं तो इस स्टॉक को अगर यहाँ तक लेके चलते हैं आपको ऑल टाइम हाई तक आपको एक बढ़िया सा रिटर्न मिल सकता है जो कि ट्वेंटी एट परसेंटेज का रिटर्न मिल सकता है ये आपका रिस्क फ्री है इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है लार्ज कैप स्टॉक है और एक बढ़िया सा कंपनी है ठीक है तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा खुद का अनालस ज़रूर कर लीजिए इसी बेस पर अगर आप एंट्री लेते हैं एक स्विंग ट्रेड में आपको बढ़िया से ट्वेंटी सेवन परसेंटेज का गेन मिल सकता है सिक्स मंथ्स में अगर आपका इस लेवल पे कहीं पे एंट्री है आपको डरने का कोई कोई रीज़न नहीं है आप इस स्टॉक को होल्ड कीजिए अपना प्राइस जरूर आएगा ठीक है हम अपना टारगेट ज़रूर अचीव करेंगे लेकिन आपको अभी इस टाइम पे मार्केट में जैसे करेक्शन हो रहा है काफ़ी स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हो चुका है लेकिन देखिए इस स्टॉक में इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि इस स्टॉक में इतना ज़्यादा करेक्शन हो ही नहीं मतलब इतना ज़्यादा होगा ही नहीं क्योंकि ये स्टॉक का प्राइस के हिसाब से देखिए ये कोई इसको कितना गिराएगा ये स्टॉक को ये ट्रेडिंग भी तो कितना कम होता है देखिए ना यहाँ पे ट्रेडिंग ओनली हुआ है एट थाउजेंड क्वानिटी ट्रेडिंग हुआ है ठीक है ना स्टॉक का प्राइस भी उसी हिसाब से ज्यादा है ये सब स्टॉक में अगर अपना पोर्टफोलियो में रहेगा ना तो यहाँ पे इतना ज्यादा करेक्शन नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी कोई भी स्टॉक फ्रेंड्स आप बाय करें ना खुद का थोड़ा सा एनालिसिस जरूर कर लीजिए खुद का एनालिसिस का बेस पे बाय कीजिए अगर खुद का एनालिसिस के बेस पे बाय करेंगे ना स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन भी आए ना तो आप फिर होल्ड करके चल सकते हैं क्योंकि आपने खुद एनालिसिस किया है ठीक है मेरा कहने पे तो आप बाय करके चलेंगे लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आएगा उस टाइम पे फिर आप परेशान हो जाएंगे कि क्या करना है स्टॉक को होल्ड करके चलना है कि सेल करके निकल जाना है ठीक है तो इसीलिए मुझे तो ये स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत बढ़िया सा स्टॉक है आप अगर बने रहेंगे तो आपको गेन जरूर मिलेगा ठीक है आप पेशेंस रखिए स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस रखिए अभी जैसे करेक्शन हो रहा है ये करेक्शन के टाइम पे आपको एक भी स्टॉक सेल करना नहीं है इस टाइम पे आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी बहुत सारा स्टॉक में आ रहा है तो आप ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लीजिए ठीक है बाइंग का ये जो ये अभी जो करेक्शन में आप अपॉर्चुनिटी की तरह आप इसको बाई करते चलिए आपको बढ़िया सा रिटर्न फ्रेंड्स से आने वाले दिनों में मिल सकता है फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में